नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फैंटेसी क्रिकेट फिल्टर में। फ्रेंड, अभी हम बात करेंगे ग्लेमॉर्गन वर्सेस सेसेक्स की, जो कि इंग्लिश ओडीडी का मैच है, 6 घंटे बाद स्टार्ट होने वाला है। तो फ्रेंड, इसकी मेरे पास पूरे स्क्वाड की इन्फॉर्मेशन है। और वीडियो शुरू होने से पहले फ्रेंड, आप वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को सब्सक्राइब कर, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो फ्रेंड, चलो बात करते हैं ग्लेमॉर्गन वर्सेज उसकी न्यूज़ की। तो फ्रेंड, मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ कि जो सेसेक्स का था पिछला जो स्क्वाड था, तो उसने अपना फ्रेंड सेम स्क्वाड इस मैच में भी रखा है। कोई चेंजेस नहीं है और कोई यहाँ पर इन्होंने चेंज नहीं किया। तो फ्रेंड, मुझे लगता है कि इनका स्क्वाड में जो चेंज नहीं हुआ है, तो इनका प्लेइंग इलेवन में भी चेंज कुछ नहीं होगा। तो फ्रेंड प्लेइंग इलेवन में सिर्फ एक फिल शॉर्ट बाहर बैठेंगे और एक वही जो पहले रॉबिन्सन थे वो बाहर बैठेंगे, बाकी सारा का सारा प्लेइंग इलेवन खेलेगा। तो फ्रेंड, यहाँ पर सेसेक्स की टीम में बताने के लिए आपको कुछ भी नहीं है, कुछ भी नया नहीं है। तो फ्रेंड, जो पिछला मैच का प्लेइंग इलेवन था आप देख लेना, लुक वेल्स, लुक राइट, हैरी फिंच, ब्राउन, इवंस, बर्गेस, डेविड विजे, जोफ्रा आर्चर, जार्डन, हैरी ब्रिक्स, ईशान शर्मा। तो फ्रेंड, ये प्लेइंग इलेवन होगी सेसेक्स की। बात करते हैं फ्रेंड यहाँ पर हम ग्लेमॉर्गन की। तो ग्लेमॉर्गन फ्रेंड एक नया चेहरा आया है, नया फेस यहाँ पर चेंज हुआ है, वो है कार्लसन। कार्लसन फ्रेंड यहाँ पर कुछ अपनी कमिटमेंट से टीम से बाहर थे, अपनी कुछ स्टडी इनका कंप्लीट हो गया है, तो फिर अब ये टीम में आए हैं आज। तो फ्रेंड, मैं आपको इनके बारे में आपको बता दूं कि पिछला सीजन में पूरा 8 का 8 मैच कार्लसन ने खेला था। बहुत ही अच्छे फाइन प्लेयर है, यहाँ पर मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करने आते, तो यहाँ पर ये शायद डोनाल्ड की जगह टीम में आ सकते हैं। तो मुझे डोनाल्ड का थोड़ा रिस्क लग रहा है आज के मैच में। तो फ्रेंड, यहाँ पर कार्लसन जो नया मैन है वो ऐड हुआ है टीम में। तो फ्रेंड, मैं आपको कार्लसन के बारे में थोड़ा रिपोर्ट पढ़ा देता हूँ। मैनुअल क्रेन कार्लसन हैज फिनिश्ड द यूनिवर्सिटी कमिटमेंट ऑफ द ईयर, कम्स स्ट्रेट टू द स्क्वाड इन एनकाउंटर। द ऑलराउंडर प्लेड इन ऑल 8 ऑफ ग्लेमॉर्गन रॉयल वन डे कप गेम लास्ट सीजन, यानी कि इसने पिछले सीजन के सारे मैच खेले थे, हिटिंग अ बैटन लिस्ट ए हाफ सेंचुरी इन द प्रोसेस। और इन्होंने वहाँ पर एक सेंचुरी मार दी पिछले सीजन में, जो कि मुझे वो मैच पूरी तरीके से याद है। कार्लसन रिटर्न इज वेलकम न्यूज टू कुकी वॉज होपिंग टू कैन मेक ए इमीडिएट इम्पैक्ट। तो मतलब ये इसको इमीडिएट इम्पैक्ट भी फ्रेंड यहाँ पर प्लेइंग इलेवन में ला सकता है, ठीक है। कार्लसन इज कमिंग बैक ऑफ स्टडी एंड बीन रियली गुड ऑफ 50 ओवर कम्पिटिशन, यू वन ऑफ द होपफुली मैच एंड इम्पैक्ट। तो फ्रेंड, यहाँ पर कार्लसन आज के मैच में बहुत अच्छा प्लेयर साबित हो सकता है मिडिल ऑर्डर में आता, क्योंकि ग्लेमॉर्गन की टीम फ्रेंड यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि 5 के 5 मैच जो होती है हार गई है, बाकी उनके सिर्फ 3 मैच इज्जत हो जाने के लिए उनके बचे हुए फ्रेंड। तो यहाँ पर ग्लेमॉर्गन की टीम फ्रेंड बिल्कुल अभी कंपटीशन से बाहर हो गई है, जो कि इनका क्वार्टर फाइनल का कंपटीशन चलेगा सुपर 8 का, तो उससे ये बाहर हो गई है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं फ्रेंड, सेलमन खेलेंगे, उसके बाद यहाँ पर जो डोनाल्ड है, जो इनके ओपनर बैट्समैन है, बिल्कुल कुछ काम नहीं कर पाए, तो उनकी जगह ऊपर यहाँ पर कार्लसन आ सकते हैं। रहेंगे फ्रेंड यहाँ पर कॉर्नर ब्राउन, जो कि पिछले मैच में फर्स्ट डाउन आए थे और बहुत ही अच्छा इन्होंने 31 रन का इनिंग खेला था, तो इनको एक और यहाँ पर मौका मिलेगा। इनग्राम इनके कैप्टन है। तो फ्रेंड, यहाँ पर मैंने लॉयड ऑब्लिक कार्लसन कराया, बट मुझे लगता है कि लॉयड यहाँ पर खेलेंगे, कार्लसन लॉयड खेल सकते हैं, पर कार्लसन आएंगे तो सिर्फ डोनाल्ड की जगह पर, क्योंकि वाग, सेल्टर, करे, स्मिथ, गुप्टन, और फ्रेंड एक और यहाँ पर चेंज हो सकता है, गुप्टन की जगह आ सकते हैं ओएन मॉर्गन, ठीक है। तो फ्रेंड, यहाँ पर ओएन मॉर्गन भी आ सकते हैं, जो कि ऑलराउंडर है, बॉलिंग भी कर लेते हैं और बैटिंग भी कर लेते हैं। और कार्लसन के बारे में आपको बता दूं कि ये भी ऑलराउंडर है, हल्की फुल्की ये बॉलिंग भी कर लेते हैं और बैटिंग भी कर लेते हैं। कार्लसन भी 5-6 ओवर निकाल देते हैं। तो फ्रेंड, ये रही हमारी प्लेइंग इलेवन की बात। बात करते हैं फ्रेंड यहाँ पर हम जो मैंने ड्रीम इलेवन बनाई है ग्लेमॉर्गन और सेसेक्स के लिए, टीम आप लोगों के लिए और मेरे लिए खुद। तो फ्रेंड, ये रहेगी मेरी हेड टू हेड, 5 मैन 6 मैन 10 मैन 11 मैन 20 मैन 30 मैन 40 मैन, ठीक है। तो आप इसमें प्लीज दोबारा मत पूछना कि कौन कौन सी टीम डाले। तो फिर फ्रेंड यहाँ पर आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, जो टीम मैं आपको यूट्यूब पर देता हूँ फ्रेंड, उसी के साथ मैं बड़ी से बड़ी लीग खेलता हूँ, चाहे वो कितने रुपए की भी हो, ठीक है। मैं आपको प्रूफ भी दे दूंगा, अगर आपको कुछ डाउट है तो मैं आपको प्रूफ दे दूंगा, इससे मैं बड़ी बड़ी लीगें खेलता हूँ फ्रेंड, ठीक है। तो फ्रेंड, यहाँ पर मैंने आपको टीम दे दी है, यहाँ पर ये टीम मेरी फाइनल टीम है। अगर कुछ चेंज होगा तो मैं कमेंट बॉक्स में आपको बता दूंगा। और अगर फ्रेंड, अगर आपने मेरा टेलीग्राम का अगर आप मेरा टेन ये तो आप मेरा टेलीग्राम जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर देना, टेलीग्राम का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगा। अगर कुछ भी चेंज होता है तो टेलीग्राम में आपको अच्छे से मैं पता चल जाएगा, इमीडिएट मालूम चल जाएगा,
तो फ्रेंड ये रहा मेरा कैप्टन एंड ये मेरा हैरी फिंच वाइस कैप्टन। आपको मैं वाइस कैप्टन, देखो फ्रेंड यहाँ पर मुझे कैप्टन के चांसेस ऑप्शन बहुत कम लग रहे हैं। कैप्टन में अगर आपको इनग्राम को नहीं बनाना तो आप लूक राइट को बना सकते हो और हैरी फिंच को बना सकते हो। बाकी तो फ्रेंड मुझे कोई भी इस टीम में नजर नहीं आ रहा ग्लेमोर्गन और सेसेक्स के बीच में। तो फ्रेंड यहाँ पर मैंने रखा है आपका कैप्टन, मैंने इनग्राम को रखा है, वाइस कैप्टन मैंने हैरी फिंच को रखा है। तो वाइस कैप्टन का फ्रेंड मैं आपको ऑप्शन और देता हूँ, लूक राइट को आप रख सकते हैं, लूक वेल्स को आप रख सकते हैं, वाक को आप रख सकते हैं। फ्रेंड मैंने यहाँ पर थोड़ा सा लिटिल सा रिस्क लिया है, वो लिया है मैंने यहाँ पर डेविड विजय को नहीं खिलाया। अगर आप डेविड विजय को खिलाना साथ चाहते हैं तो आप उसको टीम में रख सकते हैं, बट आपको थोड़ा पॉइंट की एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी फ्रेंड। और मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से प्लेयर आपको अच्छे रहेंगे फ्रेंड। आप यहाँ पर क्रिस कुकी ने पिछले मैच में अच्छे पॉइंट किए थे, बेन ब्रॉयन अच्छी फॉर्म में नहीं है तो मैंने इनको टीम में नहीं रखा है अपनी। आप चाहे तो फ्रेंड इनको अपनी टीम में रख सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है फ्रेंड। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ सोन मार्स को आप बिल्कुल ही मत लेना, ये नहीं खेलेंगे। ऑस्ट्रेलिया वापस चले गए हैं लूक इवेंट्स, लॉरेल इवेंट्स अच्छा आपको ऑप्शन हो सकते हैं फ्रेंड। 9 क्रेडिट के हैं बट अच्छा यहाँ पर बैटिंग करते हैं, थर्ड डाउन उतरते हैं सेसेक्स के लिए, ठीक है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ डेविड लॉयड ग्रैंड लीग में कैप्टन कर सकते हो, निक सेवंस को ग्रैंड लीग में कैप्टन कर सकते हो, बर्गेस को भी ग्रैंड लीग में कैप्टन या वाइस कैप्टन उतार सकते हो। रोलिंग का कोई चांस नहीं है खेलने का, फिल शॉर्ट का नहीं है चांस खेलने का, ये स्क्वाड में नहीं है। और यहाँ पर बता दूँ डोनाल्ड का थोड़ा आज रिस्की रहेगा, डोनाल्ड खेल भी सकता है और नहीं भी खेल सकता है, तो इस पर आप रिस्क मत लेना फ्रेंड। अगर लोगे तो ग्रैंड लीग सही रहेगी। यहाँ पर आप फ्रेंड ओएन मॉर्गन पे रिस्क ले सकते हैं बट सिर्फ ग्रैंड लीग में, इसको आज खेलने का मौका मिल सकता है। इसको तो फ्रेंड आप स्मॉल लीग में भी उतार सकते हो, कार्लसन को, बट मैंने इसको उतारा नहीं है। कार्लसन आज अच्छा प्लेयर साबित हो सकता है फ्रेंड, मैं कार्लसन को अपनी ग्रैंड लीग की टीम में पक्का इसको कैप्टन या वाइस कैप्टन बनाऊंगा। कॉनर ब्राउन को भी मैं कैप्टन या वाइस कैप्टन बनाऊंगा ग्रैंड लीग की टीम में। बाकी फ्रेंड मैं आपको यहाँ ऑलराउंडर में ऑप्शन देता हूँ, डेविड विजय बहुत ही अच्छी फॉर्म में फ्रेंड। यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ कि मैंने डेविड विजय को सिर्फ रिस्क के तौर पर छोड़ा हुआ है, बाकी आप चाहे तो उसको रख सकते हैं। इसके लास्ट मैच का पॉइंट देख सकते हैं फ्रेंड, 55, 49, 48, तो आप इसको टीम में रख सकते हैं, बट मैंने इसको टीम में नहीं रखा है फ्रेंड। आप चाहो तो वाक की जगह विजय को रख सकते हो, और आप चाहो तो यहाँ पर वाक की जगह विजय को रख सकते हैं, और यहाँ पर कोई एक बॉलर हटा के यहाँ पर आप ग्लेमोर्गन का बॉलर खिला सकते हो। तो फ्रेंड ये ऑप्शन आपको मैंने दे दिया। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ फ्रेंड रॉबिन्सन है टीम में बट मुझे खेलने के चांसेस का कम लग रहा है, ड्रॉप कर सकते हैं इसको, अच्छा बॉलर है। सितवांजल तो है नहीं, और बाकी यहाँ पर लूक वेल्स सिर्फ पहले मैच में अच्छा काम किया था, तो मेरे ख्याल से आज का मैच खेलेगा तो अच्छा रहेगा, और अगर रन करता है तो फ्रेंड हमारे लिए काफ़ी अच्छा है, 5-6 ओवर निकाल देता है, इसलिए मैंने इसको टीम में रखा है, ओपनर बैट्समैन है फ्रेंड। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि मैंने ईशांत शर्मा जी को टीम में नहीं रखा है, क्योंकि ये कभी चलते कभी नहीं चलते, कभी चलते तो 3 विकेट ले लेंगे, कभी तो फिर -1 भी हमको दे देंगे, तो इसलिए मैंने ईशांत शर्मा को टीम में नहीं रखा है फ्रेंड। यहाँ पर मैंने रखा जॉर्डन को रखा है, साथ में मैंने रखा है जोफ्राचार्य को रखा है, और मैंने यहाँ पर रखा डैनी ब्रिक्स को। डैनी ब्रिक्स फ्रेंड हर मैच में 2 या 3 विकेट ले रहे हैं, अच्छे स्पिनर हैं, ठीक है। गक्टन का फ्रेंड थोड़ा रिस्क लग रहा है मुझे आज के मैच में, मर्चेंट डिलॉन स्क्वाड में नहीं है, बिल्कुल मत लेना, ठीक है। ईशांत शर्मा को आप एडजस्ट कर सकते हो, अगर आप क्रिस जॉर्डन को नहीं खिलाना चाहते हो शर्मा को रख सकते हो, अगर आप जोफ्रा आचार्य को नहीं खिलाना चाहते हो आप तब भी शर्मा को रख सकते हो। तमिल मिल्स टीम में नहीं है, गाल्टन भी स्क्वाड में नहीं है, होगन स्क्वाड में नहीं है, सेल्टर को आप खिला सकते हैं, रिस्क नहीं रहेगा फ्रेंड, अच्छा प्लेयर है, ठीक है। एक मुझे यही प्लेयर सेफ लग रहा है बाकी इस टीम में, बाकी तो मुझे लगता है कोई किसी को ड्रॉप कर देंगे। सेकंडे टीम में नहीं है, स्मिथ टीम में है फ्रेंड, इसको ग्रैंडिंग में आप कैप्टन बना सकते हो, एंड करे को भी आप ग्रैंडिंग में कैप्टन कर सकते हो, और ये प्लेयर टीम में नहीं है। तो फ्रेंड मैंने आपको आई होप कि मैंने पूरा आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया है, अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप में आपको नीचे फ्रेंड आप उस व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्कस कर लेना कौन खेलेगा कौन नहीं खेलेगा, मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। और फ्रेंड मैं आपको एक और टीम बता देता हूँ हाला प्ले की, जो मैंने इस मैच के लिए बनाई है। तो फ्रेंड ये रहेगी मेरी हाला प्ले की टीम, ठीक है फ्रेंड। सेम टीम मैंने उतारी है यहाँ पर भी, आप देख सकते हैं, और यहाँ पर मैंने जो स्टार प्लेयर जो मेरे यहाँ पे कोलिन इनग्राम, लूक वेल्स, सेलमन, फिंच, लॉयड, आर्चर, जॉर्डन, ब्रिक्स, वाग एंड कुकी। तो फ्रेंड ये मेरी हाला प्ले की सेफ टीम रहेगी, आप चाहो तो उसमें कुछ चेंजेस कर सकते हो अपने हिसाब से। ओके फ्रेंड बेस्ट ऑफ लक, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ 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 मेरे वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना फ्रेंड।